आप सैर कर रहे हैं, सैर भी कीजिए और खबरों से अपडेट भी रहिए। द सूत्र आपके लिए लाया है सुबह का पॉडकास्ट, सैर भी खबर भी। नमस्कार, मैं हूं राहुल गढ़वाल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आज वोटिंग की जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। कांग्रेस ने देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 9,800 वोटर्स हैं। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बीच में है। हालांकि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन मिलने से उनकी जीत को तय माना जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक बूथ भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में भी बनाया है, जहां राहुल गांधी और करीब 40 मतदाता मतदान करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 16,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान फंड जारी करेंगे। इसके साथ ही मोदी भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक और कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में देश भर से 13,000 से ज्यादा किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में तमाम संस्थानों के 1 करोड़ से ज्यादा किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग जोर पकड़ने लगी। इससे शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए प्रदेश के कर्मचारी संगठन अभी से एक्टिव हो गए हैं। रविवार को महेश्वर में 20,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा, सरकार से पुरानी पेंशन जल्द बहाल की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और महारैली के संयोजक परमानंद डहरिया ने कहा कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बुढ़ापे में सहारा देने वाली पुरानी पेंशन बहाली कराने की मांग की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर हो गया। टूर्नामेंट के पहले मैच में नामीबिया ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 55 रनों से हरा दिया। दूसरे मैच में नीदरलैंड ने UAE को 3 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच होगा, जो सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला दोपहर 1:30 बजे जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा। आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।